दिल्ली में 22 साल बाद उपहार अग्निकांड के वीभत्स दृश्य ताजा हो गए। यहां अनाज मंडी इलाके में रविवार सुबह 5 बजे बैग बनाने वाली 4 मंजिला अवैध फैक्ट्री में आग लग गई। आग और प्लास्टिक के धुएं की वजह से 43 मजदूरों की मौत हो गई। ज्यादातर मृतक बिहार के हैं, जो फैक्ट्री में ही रहते थे। इनमें 3 बच्चे भी हैं। 38 लोगों की मौत दम घुटने से हुई। 63 लोग बचा लिए गए। मरने वालों में से 28 की शिनाख्त हो चुकी है। आग दूसरी मंजिल से लगनी शुरू हुई और कुछ देर में ऊपर की मंजिलों तक फैल गई। पूरी बिल्डिंग में आग का गुबार भर गया। पहली मंजिल पर रहने वाले लोग जान बचाकर भागने में सफल रहे। हादसे के वक्त बिल्डिंग में 100 से अधिक लोग मौजूद थे। ये लोग पूरे दिन फैक्ट्री में काम करते थे और फिर यहीं सो जाते थे। फैक्ट्री के मालिक रेहान और मैनेजर फुरकान को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने इस मामले में गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। केस की तफ्तीश क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई है। आग बुझाने का काम कई घंटे बाद तक जारी रहा। दमकल विभाग के अधिकारी ने बताया कि रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान कुल 63 लोगों को बिल्डिंग से अचेत हालत में बाहर निकाल ऑटो व एम्बुलेंस के जरिए LNJP लेडी हार्डिंग राम मनोहर लोहिया अस्पताल में पहुंचाया गया था, जहां अधिकांश लोगों को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। वहीं केजरीवाल सरकार और भाजपा शासित नगर निगम जिम्मेदारी से बचते हुए पूरा दिन इस हादसे के लिए एक दूसरे को ही दोषी ठहराते रहे। मौत की फैक्ट्री में लापरवाही की आग, 43 जानने की अव्यवस्था ने दम घोंटा। मौतों का सबसे बड़ा कारण छोटी सी इमारत में 100 से ज्यादा लोग सो रहे थे। फैक्ट्री का गेट संकरा था, ऐसे में सभी फंस गए। संकरी गलियों में दोनों साइड में सामान रखा था। हादसे के बाद मदद को एम्बुलेंस भी तेजी से भीतर न जा सकी। सबसे बड़ी चूक फायर अधिकारी ने बताया कि उन्हें केवल आग लगने की सूचना दी गई थी। कॉल करने वाले ने यह नहीं बताया था कि इमारत में कई लोग भी फंसे हैं। ऐसे में सिर्फ आग बुझाने की तैयारी से पहुंचे न कि लोगों को बचाने की। लापरवाही की इंतहा इमारत में चल रही फैक्ट्री पूरी तरह से अवैध थी। उसके पास किसी भी तरह की परमिशन नहीं थी। जिस अनाज मंडी इलाके में हादसा हुआ वहां इस तरह की कई फैक्ट्रियां धड़ल्ले से चल रही हैं। ये गरीब तो जलकर मर गए, अब ग्यारत से कौन मरेगा? इन 43 मौतों का जिम्मेदार कौन? दिल्ली सरकार, नगर निगम या प्रशासन? बताया गया है रिहायशी इलाके में फैक्ट्री महज 200 वर्ग गज क्षेत्रफल में बनी हुई है। इसके मालिकों को दिल्ली फायर सर्विस DAPS से नक्त फायर सेफ्टी क्लीयरेंस मिला। फैक्ट्री में आग से बचाव के कई उपकरण नहीं थे। आग को लेकर सवाल उठ रहा है कि इस आग और मौतों के लिए जिम्मेदार दिल्ली सरकार है या नगर निगम या प्रशासन? इलाके में बने मकान पुराने हैं और ज्यादातर में फैक्ट्रियां ही चलती हैं। रिहायशी इलाके में कैसे धड़ल्ले से फैक्ट्रियां चल रही हैं? इसका जवाब किसी के पास नहीं है। हर हादसे के बाद जिम्मेदार डिपार्टमेंट एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालकर पल्ला झाड़ने की कोशिश करने लगते हैं। आग का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है, लेकिन बिजली कंपनी BSIC ने इससे इनकार किया है। सियासी अंगारे, भाजपा कांग्रेस ने आपको घेरा, आपने MCD को घटना के बाद आग पर सियासत शुरू हो गई। भाजपा ने घटना के लिए दिल्ली सरकार को जिम्मेदार बताया, कहा कि फैक्ट्री को बिजली का कनेक्शन कैसे दे दिया गया। यही आरोप कांग्रेस ने भी लगाया। उधर आम आदमी पार्टी ने भाजपा शासित दिल्ली नगर निगम MCD को घटना के लिए जिम्मेदार बताया, कहा कि उसने कैसे रिहायशी इलाके में फैक्ट्री की इजाजत दे दी। भाजपा ने इस मामले पर आपात सत्र बुलाने की मांग उठाई। लापरवाही के आरोप हरदीप सिंह पुरी ने दिल्ली सरकार पर साधा निशाना। रविवार देर रात केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने हादसे के लिए दिल्ली सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए ट्वीट किए। उन्होंने लिखा है, MCD ने रिडेवलपमेंट प्लान बना लिया था और उसे DDA की तकनीकी कमेटी ने पास भी कर दिया था। निगम ने फाइनल प्लान को मार्च 2017 में स्वीकृति दे दी थी, लेकिन इस बिल्डिंग में किसी भी चेकिंग की कोई सूचना नहीं है। यह भी नहीं पता कि किसके कहने पर इस बिल्डिंग को बिजली के इतने कनेक्शन और मीटर दे दिए गए थे। अगर विभाग सही से अपना काम करते तो बहुमूल्य जीवन बच सकते थे। राहत, दिल्ली सरकार 10 लाख और भाजपा देगी 5 लाख का मुआवजा। दिल्ली सरकार ने मृतकों के परिजनों को 10 से 10 लाख रुपए, घायलों के मुफ्त इलाज और घायलों को 1 से 1 लाख मुआवजे की घोषणा की। इसके साथ ही मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए। वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने BJP के पार्टी फंड से 5 से 5 लाख रुपए की राशि मृतक परिजनों को और 25 से 25 हजार रुपए घायलों को देने का ऐलान किया। CM केजरीवाल बोले, दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। हमने इस भीषण हादसे में 40 से ज्यादा जिंदगियां खोई हैं। मैंने इसकी जिम्मेदारी तय करने के लिए जांच के आदेश दिए हैं।
दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। अरविंद केजरीवाल, CAM, दिल्ली। सलाम फायरमैन राजेश शुक्ला ने अकेले बचाई 11 लोगों की जान। आग बुझाने और बचाव के लिए 30 फायर टेंडर मौके पर थे। संकरी गलियों के चलते 150 दमकल कर्मियों को भी लगाया गया। इन्हीं में से एक थे फायरमैन राजेश शुक्ला, जो इस जलती इमारत में सबसे पहले घुसे। अपनी जान की परवाह किए बिना शुक्ला ने अकेले 11 लोगों की जान बचाई। उन्होंने हड्डियों में चोट लगने के बावजूद अपना काम जारी रखा। किस्मत फिर आज बच गया। अंदर सो रहे लोग फिर उठ नहीं सके। फैक्ट्री में टोपी बनाने वाला कर्मचारी फिरोज खान इमारत में आग लगने के बाद बचे लोगों में शामिल है। वह तीसरे फ्लोर पर कमरे में दरवाजे के पास सो रहा था। इस वजह से आग लगने पर जागने के बाद बचकर भागने में सफल हो गया। लेकिन कमरे में अंदर सो रहे दूसरे लोग इतने भाग्यशाली नहीं थे। घटना में घायल नवीन के भाई मनोज ने बताया कि मुझे फोन आया था कि भाई घायल है, उसे कहां ले जाया गया, मैं नहीं जानता। जानलेवा गैस जहरीली कार्बन मोनोऑक्साइड मौत का कारण बनी आग बुझाने के काम में लगाई NDRF की टीम के डिप्टी कमांडर आदित्य प्रताप सिंह ने बताया कि अधिकांश लोगों की मौत आग के कारण कार्बन मोनोऑक्साइड गैस फैलने के कारण हुई। समूची बिल्डिंग में धुएं के साथ यह गैस फैल गई और लोगों का दम घुट गया। जवानों को बिल्डिंग की 3री और 4थी मंजिल पर भी धुएं में यह खतरनाक गैस मिली।